नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है, क्रोशिया कंट्री के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्रोशिया कंट्री के लिए आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, जिसकी मिनिमम वैलिडिटी कम से कम 2 साल हो, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आजकल जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें आपका वर्क परमिट आने में ही 3 से 4 महीने लग रहे हैं, और उसके बाद आप VFA सबमिशन करते हैं तो वो भी 90 दिन से 120 दिन तक का पहुंच चुका है। यानी आपका यानी फुल प्रोसेस मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 8 मंथ तक का हो रहा है। तो इसलिए आप कम से कम आपका पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी अगर 2 साल रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा वो है PCC विथ अपोस्टल। PCC अपोस्टाइल कहाँ होती है, इसके लिए मैंने एक अपना पहले ही एक वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि अगर आपको आपकी PCC को अपोस्टाइल कराना है, चाहे वो SSP ऑफिस की हो चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस की हो, उसका अपोस्टाइल दिल्ली में होता है और उसका खर्चा मात्र 134 रुपये ही आता है। अगर हाँ ये है कि SSP ऑफिस की आप PCC को अपोस्टाइल कराएंगे, तो उसको पहले आपको अटेस्टेड कराना पड़ता है, तो उसका 100-150 रुपये और खर्चा आ सकता है, आता ही है यानी। और आपका तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका रिज्यूमे, और आपका चौथा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका वाइट बैकग्राउंड फोटो, जिसका साइज रहेगा 3.5 बाय 4.5 mm का। और आपका पांचवा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका वर्किंग वीडियो। अगर आप स्किल्ड वर्क में जा रहे हैं, जैसे आप टाइल मेसन में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, यानी जो भी आप ले लो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, टाइल मेसन हो गया, आपका ब्रिक लेयर हो गया, कारपेंटर, आपका अगर कारपेंटर में जा रहे हैं तो कारपेंटर का भी वीडियो लगेगा, और अगर आप कुक में जा रहे हैं यानी तो उसमें भी आपका वर्किंग वीडियो लगेगा। उस यानी आप 2 से 2.5 मिनट का आप अपने मोबाइल पे आपका वर्किंग वीडियो बनाइए और उसको सेव करके रखिए। और आपका पांचवा डॉक्यूमेंट लगेगा आपका, एक आपका पासपोर्ट हो गया, दूसरा आपका PCC विद अपोस्टाइल हो गया, तीसरा आपका हो गया वाइट बैकग्राउंड फोटो, चौथा हो गया अगर आप स्किल्ड वर्कर में जा रहे हैं तो आपका वर्किंग वीडियो, पांचवा हो गया आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। और अगर आप फूड डिलीवरी वाले जॉब में जा रहे हैं तो आपको मस्ट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, यानी आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके दस्तावेज हो सकता है कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाकी ये 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। अगर आप फूड डिलीवरी में जा रहे हो तो आपको खाली 5 डॉक्यूमेंट्स रखना है, और इसके अलावा इसकी और कोई नीड नहीं रहेगी। ये अगर आप वर्क परमिट आप चाहें तो आपके किसी एजेंट से करवा रहे हैं, या किसी एजेंसी से, या किसी दोस्त, या आपका जो भी क्रोशिया में कोई मित्र है, अगर आप उनसे भी यही आपका वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कहेंगे, तो ये आपको 5 से 6 दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं हो सकता। ये वर्क परमिट के लिए मस्ट चीज़ें हैं, और आपका वर्क परमिट सबमिशन होता है, ये सब इसके लिए मैं आपको, मेरा सेकंड वीडियो आने वाला है, मैं उसमें आपको बताऊंगा वर्क परमिट क्यों डिले हो रहा है और उसके कारण क्या है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।